थोड़ा ज़्यादा शोको हो रहा है ना, कोई बात नहीं तो यार बनता। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। हमारी गुड मॉर्निंग वैसे लेट होती है आजकल, बहुत लेट हो रही है। ऊपर से याद कराया मोम ने कि भाई तूने आज जाना है, आज जाना था, लेकिन जनाब याद आ रहा है एक बज गया और एक बज गया, बहुत लेट उठ रहा हूँ। गलत है भाई, गलत है, रूटीन चेंज करनी है, सुबह उठना चाहिए उठे को, उठे के बाद उठने क्या लगा मैक्सिमम 8-9 बजे उठ जाना चाहिए। करते हैं रूटीन को चाहिए बहुत जल्द। पासपोर्ट नहीं आया भाई, याद आ रहा भाई पासपोर्ट ही नहीं है। ठीक है, अब स्पेशल इस्लामाबाद एम्बेसी से पासपोर्ट मंगवाया है। ठीक है, अब इधर जब होके आया हुआ तो लेने चलते हैं। बूम भाई आ गए डेमो पास पे लेने, जल्दी से यहाँ से पासपोर्ट लेके निकलना है, आज बहुत काम है। ठीक है, एक बज गया और 6 बजे अपना निकलना है एयरपोर्ट पे। तो भाई फाइनली हमने ले लिया और बड़ी मुश्किल से मिला, मुझे लगा कि अभी तक नहीं आया, फिर ना आया होता तो भाई आज की फ्लाइट कैंसिल ही थी पक्की। लेकिन चलो फिर जाके कुछ यार ब्रेकफास्ट में ब्रंच करते हैं। ये बैंक वालों के लिए सेवर फूड उनको बहुत पसंद है, उनके लिए सेवर फूड देते हैं। और हमारे भी यहाँ बहुत रश होता है, लेकिन आज कोई खास नहीं है, टाइम नहीं ना हुआ। हेलो भाई, कीमत देख लो, 4-5 प्लेटें ले लेते हैं। भैया आपको दिखा रहे हैं कितना मुश्किल होता है, कितना मुश्किल होता है भाई तैयारी करना बैंकों के लिए। ठीक है, कितनी चीज़ें अपने ख्याल के ना इकट्ठी करनी पड़ती हैं, ये भी लेके जाना, ये भी लेके जाना, ये भी लेके जाना, उधर से भी फरमाइश है, इधर से भी फरमाइश है, आसान नहीं है। अब हम आ गए खताई लेने। भाई खताई कितनी बड़ी हुई है, खताई खताई आगे लगी है, खलीफा की खताई भाई, खलीफा की खताई बहुत पसंद है, वो भी लेनी है। देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें कितनी अपनी इकट्ठी करनी पड़ती हैं, खलीफा की खताई भैया, खलीफा की खताई की देना, हाँ जो दे देना 1 किलो दे दो भाई। ओ बहुत थक गया हूँ, खत होने वाला है यकीन करो, लेकिन बिल्कुल दिल नहीं कर रहा, बस फ्रेश होना है जल्दी से, शावर शुवर लेते हैं, खत को तो कोई नहीं कराना, टाइम नहीं है, फ्रेश होते हैं। देख रहे हो छोटी छोटी चीज़ें आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए कि कितनी स्ट्रगल होती है छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठी करना और फिर लाइक इधर से उधर। खैर मज़ा आता है, इसमें भी एक टेस्ट है। हेलो जी भाई, फ्रेश हो गए हैं लेकिन यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों, दिल कह रहा खत करा लूं। ले कोई बेवकूफ़ी होगा मेरी तरह, पहले शावर लेगा, फ्रेश होगा, कपड़े चेंज करेगा और फिर मूड बनाएगा कि भाई मैं अपना जाके शावर करा, ओ खत कराता हूँ, करा लेते हैं यार, अच्छा नहीं लग रहा मुझे। वैसे मेरा बिल्कुल दिल नहीं था खत कराने का, लेकिन कोई नहीं कराते हैं। चलो चलते हैं। क्या नए शूज पहन लिए हैं, कैसे लग रहे हैं, न्यू लिए थे, बहुत कमाल किया ना, चलो आ जाओ चलते हैं सर भाई, जल्दी से अच्छी लुक बना देना है। सही है ना डर गए हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। भाई लड़का चिट्टा होना चाह रहा है, कैसी लग रही लोग हैं, और इधर हल्का फुल्का बेड पे कलर लगाया वो भी उतर जाएगा फिर दिखाता। हाँ जी भाई सही हो गया, चलो अल्हम्दुलिल्लाह, अब निकलते हैं एयरपोर्ट की तरफ जल्दी, बहुत लेट हो गया, बहुत लेट हो। जो एयरपोर्ट से पहले खाना खा लेते हैं,
फिर निकलते हैं। फाइनली हम अपना एयरपोर्ट पर पहुँच गए, ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी में आए हैं, लेट हो रहे थे। अब हम जल्दी जल्दी इमिग्रेशन कराते हैं और फिर आपसे मिलते हैं अंदर CIP लॉन्ज में, और फिर आपको एक अहम बात बताता हूँ। तो जी अब हम आ गए हैं बोर्डिंग करा के अंदर, अब हम जाएंगे CIP लॉन्ज में जहाँ पे कुछ नहीं मिलता कुछ नहीं मिलता, कोई फ़ायदा नहीं, लेकिन मुझे इनविटेशन मिला ना, मैं दिखा देता हूँ, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं, यकीन करो 1% फ़ायदा नहीं। दिखाता हूँ, ये देखो देखो जनाब, वेलकम गोल्ड, ठीक है जी, हाँ जी, ये चीज़ मेरे अजीज लेकिन इसका क्या करूँ, ये किसी काम का नहीं है, किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसके अंदर आपको 2-3 बोतलें मिलेंगी, फिर उसके बाद कोई एक आधा सैंडविच मिलेगा, या चाय मिल सकती है, बिस्कुट मिल सकता है, चलो फिर भी हल्का फुल्का आसरा उसरा कह सकते हो, लेकिन फ़र्क है खाई का लॉन्च और दूसरे लॉन्चेज कमाल है, वो तो दिखाऊँगा ना, वो दिखाएंगे, वो इन्जॉय करने वाले हैं, ये तो फ़र्क है। खैर आपको दिखाता हूँ, ये देखो ये उम्र के काफ़ी बंदे हैं, लो जी CIP लॉन्ज में एंटर हो रहे हैं, कोई फ़ायदा नहीं है लेकिन हो रहे हैं। एग्जीक्यूटिव लॉन्ज, हाँ देखो इन बैंक्स में आपको फ्री मिलेगी एंट्री, जीएस का सर जी मन कर दिया गया, ठीक होगा, थैंक यू। अब आपको दिखाता हूँ अंदर क्या क्या रखे रखे सर, बिस्मिल्लाह, अपने ही समझे आए, लो जी एक गुलाब जामुन है, ब्राउन केक है, चिकन सैंडविच है, प्लेन केक है, हमारे पास वेजी का सैंडविच है, उसके बाद हमारे पास बिस्कुट्स हैं और टी वगैरह और गाय को ये कोल्ड ड्रिंक्स, तो थोड़ा सा तड़क पड़क करते हैं। फाइनली अब बस हमारा टाइम हो गया, अब हम जा रहे हैं सीधे ही अपने कह लो के ना एयरप्लेन में, ये जाना है जिसमें जाना है, जी 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 यही है, यही है, इसको पकड़ना थोड़ा ज़्यादा शौक हो रहा है ना, कोई बात नहीं, तो यार बनता है। दोस प्रोसीजर्स हु आर ट्रैवलिंग बाय थाई एयरवेज फ्लाइट नंबर DG-346 टू बैंकॉक, द प्रोसीजर्स आर कस्टम प्रोसीड दी एक और ठीक है यार, 10 से 1 बजे तक तू मेरा 3 ऑफ भी ला दे, थाई एयरवेज अपने घर जा रहे हैं यार, ये इसका फर्स्ट स्टॉप कौन सा है, इसका फर्स्ट स्टॉप आएगा चेन्नई, चेन्नई चेन्नई, हां वहां उतर जाएंगे। फाइनली हम थाईलैंड लैंड कर चुके हैं, ठीक है, अभी बस इमिग्रेशन कराएंगे और फिर सीधा पा रहे हैं, ये बहुत प्यारा एयरपोर्ट है, यकीन करो थाईलैंड का बहुत ही ज़बरदस्त एयरपोर्ट है और बहुत बड़ा। अभी हम G1 पे हैं और बहुत चलना पड़ेगा भाई, बहुत चलना पड़ेगा, हमने इमिग्रेशन करा के फारिग हो गए हैं, अब
हम पहुंच गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और अब सीधा जाएंगे होटल और होटल जाके करेंगे रेस्ट। लो भाई हमें इजाज़त दो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में। कोशिश तो बहुत की है कि काफ़ी कुछ आपको दिखा सकूं। अपना ख्याल रखना, अपने चाहने वालों का ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।